Welcome, students. Today we will study the character sketch of the person Rudolf Hertzberg, who is the Crown Prince from the novel The Prisoner of Zenda by Sir Anthony Hope. Let's go ahead. This novel is taught in second year English syntax. Rudolf Hertzberg. Basically, Rudolf Hertzberg जो है is the Crown Prince of Ruritania. Ruritania की रियासत के ये Crown Prince है. उस रियासत के असल तख्त ताज के मालिक हैं. इनका नाम है रोडोल्फ हर्ज़बर्ग, जो कि किडनैप कर लिए जाते हैं अपने कजन सौतेले भाई हाफ ब्रदर जिसका नाम ब्लैक माइकल है. वो इनको ड्रग वाइन पिला के बेहोश कर देता है. पूरे नोवेल में ये किडनैप रहते हैं. इनकी जगह एक किरदार अदा करता है जिसका नाम है हीरो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल रोडोल्फ हर्ज़बर्ग, जिसकी शक्ल इनसे मिलती जुलती है. वो पूरे नोवेल के अंदर अपना किरदार अदा करता है. इसी बादशाह की शक्ल की वजह से वो उस नोवेल में एज अ बादशाह एज अ किंग रोल परफॉर्म करता है और इस बादशाह को आजाद कराता है जेंडा के किले से. इन फिजिकल अपियरेंस ही हैज अ स्ट्राइकिंग रिजेंबलेंस विद अ रेजेंडल. उनकी जो फिजिकल अपियरेंस है वो हीरो से मिलती हुई है, रेजेंडल जिनका नाम है, बट मेंटली ही इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हिम. लेकिन दोनों के जहन बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. बेसिकली है तो ये खुद क्राउन प्रिंस, लेकिन जो सही क्राउन प्रिंस का रोल प्ले करता है वो हीरो प्ले करता है जिसकी शक्ल बादशाह से मिलती है. ही डज नॉट हैव द क्वालिटीज विच रेजेंडल हैव. इनमें वो खूबियां नहीं है जो कि हीरो में है, रेजेंडल में. द किंग डज नॉट हैव द करेज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जो बादशाह है वो कोई हौसला नहीं रखता, ना कॉन्फिडेंस है उसमें अपनी जिम्मेदारियों का. द किंग इज प्लेजर लविंग एंड अ केयर फ्री टाइप ऑफ यंग मैन. बादशाह जो है वो प्लेजर लविंग है और केयर फ्री पर्सन है, आजाद जिंदगी गुजारता है. उसको नहीं पता कि रियासत में क्या जिम्मेदारी होती है, उसके खिलाफ क्या साजिशें हो सकती है, क्या जालसाजी हो सकती है, क्या पॉलिटिक्स हो सकती है. उसे इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता. एज सून एज ही हैज सीन रेजेंडल एंड नोन द reason for his resemblance, he invites him to dinner and becomes frank with him. जैसे ही उसको पता चलता है कि रेजेंडल उसके रियासत रूरिटेनिया में आया है और उसकी शक्ल बिल्कुल उसकी जैसी है, मिलती जुलती है, तो वो उसको अपने महल में बुलाता है, दावत देता है, इन्वाइट करता है, अपने कोरोनेशन सेरेमनी में बुलाता है. लेकिन उससे पहले ही ब्लैक माइकल उसको किडनैप कर लेता है ड्रग वाइन पिला के. तो उसके बाद फिर हीरो का किरदार शुरू हो जाता है इस बादशाह को आजाद कराने में, जिसका नाम रोडोल्फ हर्ज़बर्ग है. रोडोल्फ हर्ज़बर्ग लव्स वाइन. ये शख्स वाइन शराब को पसंद करता है. ड्यूरिंग हिज स्टे एट जेंडा ही ड्रिंक्स सो मच दैट ही फॉरगेट्स हिज कोरोनेशन एंड फॉल्स इनटू ट्रैप लेड बाय हिज हाफ ब्रदर ब्लैक माइकल. उसकी कोरोनेशन से पहले वो खूब वाइन पीता है जेंडा के किले में और वो भूल जाता है कि उसकी कोरोनेशन सेरेमनी है और जाल में फंस जाता है ब्लैक माइकल के, जो कि उसका हाफ ब्रदर है, और उसको बेहोश करके वो जेंडा के किले में किडनैप कर लेता है. वो सेंट ड्रग वाइन टू मेक हिम सेंसलेस. ब्लैक माइकल ने उसको ड्रग वाइन पिलाई होती और वो बेहोश हो जाता है. दिस शोज दैट किंग हैज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो इस चीज से पता चलता है कि बादशाह के पास कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज केयर फ्री हैबिट्स. उसकी केयर फ्री हैबिट्स की वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अगेंस्ट हिम. बहुत बड़ी तादाद लोगों की उसके खिलाफ हो जाती है. एंड दे वांट ब्लैक माइकल टू बी देयर किंग. और वो ये चाहते हैं कि इसकी जगह ब्लैक माइकल को बादशाह होना चाहिए. द लैंड लेडी ऑफ द इन एट जेंडा इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट द ड्यूक इज बेटर कैंडिडेट फॉर द थ्रोन. जो कि इन में लैंड लेडी है वो भी यही कहती है कि जो ड्यूक है नवाब ब्लैक माइकल, उसको तख्त ताज का वारिस होना चाहिए. बेसिकली जो ब्लैक माइकल है वो क्राउन प्रिंस का सौतेला भाई है, कनीस का बेटा है, और इसकी शक्ल भी नहीं मिलती बादशाह से. बादशाह के लाल बाल है, रेड हेयर है, वाइट स्किन है और पॉइंटेड नोज है, और ब्लैक माइकल की आईज ब्लैक है. और तो उसको बताया है कि उसका कलर भी ब्लैक है, उसका किरदार भी ब्लैक है. इट इज बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट्स दैट द थ्रोन इज ऑलमोस्ट लॉस्ट टू हिम. उस बादशाह की बैड हैबिट्स की वजह से, वाइन पीने की वजह से, वो
कैप्चर हो जाता है जिंडा के किले में, ब्लैक माइकल के किले में. इफ रेजेंडल डिड नॉट हेल्प हिम, अगर रेजेंडल उसकी मदद नहीं करता, माइकल वुड हैव रूल्ड ओवर रूरिटेनिया, तो बादशाह होता रूरिटेनिया की रियासत का ब्लैक माइकल. रॉडल फेलबर्ग इज अ फ्रेंड, एक दोस्त है वो. ही इज अ प्लेजेंट टेम्पर्ड मैन एंड इज अ सिंसियर लवर, और वो प्लेजेंट टेम्पर्ड मैन है और सिंसियर लवर है. ऑल हिज फ्रेंड्स रिमेन लॉयल टू हिम टिल लास्ट, आखिर तक उसके तमाम फ्रेंड्स उसके साथ लॉयल रहते हैं. सेप्ट एंड फ्रिट्स आर डिवोटेड टू हिम, उसके जो कर्नल जनरल हैं वो भी उसके साथ में डिवोटेड होते हैं, जानिसार होते हैं. जब वो कैद हो चुका होता है तो उससे रेजेंडल से रिक्वेस्ट की जाती है कि ये बादशाह का किरदार अदा करो वरना ब्लैक माइकल उसको मार देगा. दे मैनेज टू रेस्टोर द थ्रोन टू हिम विद द हेल्प ऑफ रेजेंडल, रेजेंडल की मदद से जो कि बादशाह की शक्ल में मिलता हुआ है, तब तो ताज को बचाने की जनरल्स कोशिश करते हैं. ड्यूरिंग द लास्ट अटैक ऑन द प्रिजन ऑफ जिंडा, व्हेन द लाइफ ऑफ रेजेंडल इज इन डेंजर, ही थ्रोस अ चेयर एट हिम एंड सेव्स द लाइफ ऑफ रेजेंडल. तो जब लास्ट अटैक हुआ प्रिजनर ऑफ जिंडा, जब वो जिंडा का प्रिजन हो जाता है तो रेजेंडल की लाइफ खतरे में होती है, तो वो चेयर फेंक के रेजेंडल की लाइफ बचाता है. द किंग वॉज नॉट एन अनफॉरगेटेबल पर्सन, फॉरगेटफुल पर्सन, जो बादशाह है वो ना भुलाए जाने वाला शख्स है. ही वॉज थैंकफुल टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार है वो. पर्टिकुलरली ही थैंक्स टू रेजेंडल फॉर हिज सेल्फलेस सर्विसेज, और रेजेंडल का बहुत शुक्रगुजार है कि उसने उसकी जो सर्विसेज, उसने खिदमात अंजाम दी उस बादशाह को आजाद कराने में. His love for Princess Flavia is pure and unselfish. और वो जो मोहब्बत करता है Princess Flavia से, वो pure है, पाक मोहब्बत है और unselfish मोहब्बत. If was because of his some good qualities and sincere efforts that the throne was finally restored to him. यही कुछ खूबियाँ थी, वो हैप्पी गो लकी फेलो था, वाइन पीता था और तख्त ताज में इंटरेस्ट ही रखता था, पॉलिटिक्स में. इन्हीं वजह से वो कैप्चर कर लिया गया ब्लैक माइकल के हाथों. लेकिन क्योंकि वो एक अच्छे किरदार का, इसके अलावा इनोसेंट था, वो लोगों के कोई बुरा नहीं चाहता था किसी के लिए, इसीलिए उसके साथ भी बुरा नहीं होता और हीरो उसको बचाने में कामयाब हो जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.